हिस्लॉप एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित हिस्लॉप महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग की ओर से 7 दिसंबर से 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हिस्लॉप कॉलेज के वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा पिछले 16 सालों से पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और इस बार भी पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें 14,000 फूलदारी पौधे शामिल है। साथ हिस्लॉप कॉलेज की जो है मुजुमदार मैडम है उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो प्रदर्शनी रहती है तो इसका किस तरह से आयोजन किया जाता है, क्या बताओगे? हम लोग हिस्लॉप कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से हैं। हमारा ये शो है जो कि ये 16वां शो है। 15 साल से हम लोग ये शो करते आ रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ 500 पौधों से शुरुआत की थी आज से 15 साल पहले और आज हमारे पास करीबन 14,000 पौधे हैं। तो ये जो 14,000 पौधे आप देख रहे हैं यहाँ पे और ये पीछे बास्केटबॉल कोर्ट में जो हैं, देर आर 90 वराइटीज़ हैं पौधों के, जिनमें से 70 अराउंड पौधे छोटे शेवंती के हैं और बड़ी वैरायटी शेवंती की हैं बाकी के 24 के करीब। तो ये जो सारी वैरायटीज़ हैं, हम लोग हर वैरायटी के 8 पौधे बचाते हैं। फरवरी से हमारा काम शुरू होता है, फरवरी से लेकर दिसंबर तक हम हर वैरायटी के 8 पौधों को मल्टीप्लाई करके ये 14,000 पौधे बनाते हैं। तो ये जो पूरा काम है ये हमारी जो हेड हैं डॉक्टर मौसमी भवाल, उनके लीडरशिप के अंडर होता है। और इस साल जैसा कि आप जानते हैं मौसम बहुत ख़राब रहा, अक्टूबर एंड दिवाली तक बारिश हुई, तो इस साल हमारे लिए एज अ डिपार्टमेंट बहुत मुश्किल रहा इन पौधों को ज़िंदा रखना, इनको बचा के रखना, इनको हेल्दी रखना, क्योंकि कीड़े, ऐसे मौसम में कीड़े लगने की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके बावजूद हमने ये शो इस बार वी हैव मेड इट अ रियलिटी, हमारे लिए खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, हमने परंपरा टूटने नहीं दी, तो ये एक बात है। और स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन रहता है और जैसा कि आप देख रहे होंगे वॉलंटियर्स हैं हमारे हर तरफ। एक स्टूडेंट्स का सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन होता है स्कूल का, स्कूल्स आते हैं यहाँ पे, शहर के अलग अलग स्कूल्स आते हैं, करीबन 90 बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया, उनकी पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं। और जो मेन एम है इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन को रखने के पीछे वो ये है कि बच्चों में नेचर के प्रति जो प्यार है वो डेवलप करे, वो प्लांट्स का रख रखाव सीखें और उनको डिस्ट्रॉय ना करें। तो यही हमारा मेन एम है, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके यंग जनरेशन में नेचर के प्रति लव इंस्टॉल करना। ठंडी के मौसम में खिलने वाले फूल प्रदर्शनी का आकर्षण होते हैं। इनमें गुलाब, शेवंती, पेटूनियस, बेगोनियस, केलिंडुआ, मेरी गोल्ड, डाइम्बस, जिनिया आदि का समावेश है। इस पुष्प प्रदर्शनी में शेवंती फूल की 70 प्रजातियों को रखा गया है। हिस्लॉप एजुकेशन सोसाइटी द्वारा जो है पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 7 दिसंबर से ये पुष्प प्रदर्शनी 2 दिन चलने वाली है जिसमें 14,000 से ज़्यादा फूलदार पौधों का जो है यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। और हम देख पा रहे हैं हमारे बाजू में यहाँ किस तरह से डेकोरेट किया गया है, विविध प्रकार के हमें फूलदारी पौधे जो है यहाँ दिखाई दे रहे हैं और बड़ी मात्रा में अलग अलग जो है हमें फूलों की जो है प्रजातियाँ देखने मिली है। और ये 2 दिवसीय चलने वाले प्रदर्शनी में 14,000 से ज़्यादा फूलों का यहाँ समावेश किया गया है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ में क्षितिजा देशमुख, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।